वेलकम टू द रमास क्रिएटिविटी चैनल। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी और कम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लेट गेट स्टार्टेड, लेट सी द इंग्रेडिएंट्स। हमें चाहिए इस रेसिपी के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिकन, ठीक है? ये बोनलेस चिकन है। इस बोनलेस चिकन को मैंने स्ट्राइप्स के अंदर काट लिया। ये ऑलमोस्ट क्वार्टर केजी चिकन है, इस तरह स्ट्राइप्स के अंदर मैंने काट लिया है। और जो चिकन बीच में छोटे छोटे पीस रह जाते हैं तो वो भी मैंने काट के बीच में ऐड कर दिए हैं, तो उनको आप साइड पे ज़ाया नहीं कीजिएगा, उसको भी हम इसको ऐड कर लेंगे। सो ये हो गया हमारा चिकन। नेक्स्ट हमें चाहिए योगर्ट, 3 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट, 1 टेबल स्पून ऑफ चिली सॉस, 1 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस, 1 टीस्पून ऑफ चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ऑफ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी, 1/2 टीस्पून ऑफ कुटा हुआ ज़ीरा एंड धनिया जो मैं भून के पीस के इस तरह रखती हूँ, ठीक है? ये तमाम चीज़ें। लास्ट में हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है सेसमन सीड्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो इसकी जगह आप हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। अब टाइम है मैरिनेशन का। लेट गेट स्टार्टेड कि हमने रेसिपी को करना क्या है। इसमें सबसे पहले हम मिक्स करेंगे योगर्ट। सारा योगर्ट अच्छी तरह प्याले से उतार के उसमें मैं डालूंगी ताकि कोई भी ज़रा, कोई भी योगर्ट का योगर्ट हमारा ज़ाया ना हो। नेक्स्ट हम उसके अंदर डालेंगे चिली सॉस, 1 टेबल स्पून। थर्ड इंग्रेडिएंट इज सोया सॉस, 1 टेबल स्पून। उसके बाद तमाम मसाले, नमक, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला और हल्दी और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया, ठीक है? ये हम सब इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, अपने तमाम मसाले, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करने के बाद एक एडिशनल चीज़ मैं जो आपको बता रही हूँ वो है तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला फॉर कलर है, क्योंकि इसका थोड़ा येलोइश कलर आ जाता है। इट्स एन ऑप्शनल, अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, आप लोग नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। आप इसमें 1/2 टीस्पून भी तंदूरी मसाला डाल सकते हैं, 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं और 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि तंदूरी मसाला कलर उसमें ज़्यादा होता है और स्पाइस थोड़ा सा कम होते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपका क्या टेस्ट है। अगर आप बहुत स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप कर लें, अदरवाइज़ ये बेसिकली रेसिपी बहुत स्पाइसी है जिसका नाम मैं बिल्कुल एंड में आपको बताऊंगी। सो ये हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है। इस चिकन को अब हमने ऑलमोस्ट 30 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रखना है। अगर आपने क्विक इसकी कुकिंग करनी है, आपके पास मैरिनेशन का टाइम नहीं है, तो आप इसको कुकिंग में भी फ़ौरन रख सकते हैं। ये मैंने ले लिया एक पैन, मीडियम आग, मैंने मीडियम आग चला के उस पर पैन रखा। इसमें मैं सारा ऐड कर दूंगी अपना चिकन, जितना भी मेरा चिकन है, ठीक है? बोनलेस चिकन जो है एक तो श्रिंक हो जाता है और थोड़ा सा हो जाता है, तो आप लोग अपने हिसाब से जितना आपको रिक्वायर्ड हो बनाइएगा। ये जो मसाला रह गया है इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि मसाला ज़ाया ना हो, और ये भी मैं उसमें ऐड कर दूंगी। हमें वैसे भी इसमें नो ऑयल, हमें कोई ऑयल इसमें ऐड नहीं करना। हमें 1/2 ग्लास ऑफ वाटर इसमें ऐड करना था। मेरे पास छोटा ग्लास है इसलिए मैं उसका 1 ग्लास डाला है। आप अपने हिसाब से बड़ा 1 ग्लास का 1/2 ग्लास डाल लीजिएगा। ये मैंने डिप कर दिया सारा पानी के अंदर और अब मैं इसको कुक होने के लिए रख दूंगी 15
मैक्सिमम 15 मिनट में ये कुक हो जाएगा और इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू कवर इट आप कर दें, इफ़ यू डोंट वांट टू कवर इट बेशक आप कवर ना करें, ठीक है, ये वैसे ही कुक हो जाएगा। ग्लास मैं आपको ये दिखा देती हूँ, मेरे पास छोटा है, ठीक है, आप अपने हिसाब से हाफ ग्लास इनफ है, ठीक है, हल्की आग पे पकेगा और 15 मिनट्स में ओके रेडी बन के आपके सामने आ जाएगा। ज़्यादा पानी मत डालिएगा, वो बोनलेस बहुत जल्दी घुल जाता है, मीन्स बोटियाँ टूट जाती हैं, तो आपने ज़्यादा नहीं डालना। ये देखिए हमारा कुक होना शुरू हो गया है। दूसरे चूल्हे पर मैंने कोयला जलने के लिए रख दिया है, जो 10 से 15 मिनट में जितनी देर में हमारा चिकन बनेगा उतनी देर में ये कोयला भी हमारा पक जाएगा, फिर हम इसको कोयले का दम देंगे। ये 10 मिनट पकने के बाद की कंडीशन है। इसको आग थोड़ा सा तेज़ करके, जब ये टेंडर हो जाए तो आग थोड़ा तेज़ करके पानी को ड्राई कर लें। थोड़ा सा पानी रह गया है, अब मैं इसको कोयले का दम दूंगी और आग को मैं मीडियम ही रहने दूंगी ताकि वो पानी भी जज्ब हो जाए, उसको ज़ाया नहीं कीजिएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, उस पानी को ज़ाया कर देते हैं तो चिकन में वो टेस्ट नहीं रहता, क्योंकि पानी में मसाले का टेस्ट होता है, तो अच्छी तरह उसको जज्ब होने दें। चिकन के साथ ही पानी ख़त्म होगा, ये देख लें मैंने बिल्कुल पानी को स्टेन नहीं किया, ज़ाया नहीं किया, इसको कुक किया है ताकि चिकन अपना सारा पानी जज्ब कर ले और सारे मसालों का टेस्ट चिकन में आ जाए। अब मैं इसके अंदर कोयले का दम दूंगी। कोयले का दम हमें किस तरह देना है कि एक छोटी सी प्याली लेनी है, ठीक है, और वो बीच में रखनी है। आप प्लास्टिक की प्याली ले लें, आप शीशे की प्याली ले लें और फिर हमने उसको कवर कर देना है ताकि कोयले का दम उसमें आ जाए। ये बहुत ही यमी रेसिपी बनती है, ईजी टू कुक रेसिपी है और जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। कोई अचानक मेहमान आपका आ जाए, आप विद इन हाफ एन आवर आप इसको कुक कर सकते हैं। अब हम इसको देंगे कोयले का दम। पानी हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है ड्राई, आग हमारी है मीडियम, ठीक है, और जो कोयला हमारा ये आग पे 15 से 20 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, अब हम इसका दम देंगे। चिकन में हम इस थोड़ा सा प्याली के लिए स्पेस बनाएंगे, ठीक है, प्याली रखने के लिए, जो छोटी प्याली है ये मैं आपके सामने मिक्स कर रही हूँ। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, मैं देख रही हूँ कि पानी रह तो नहीं गया, इस तरह ये छोटा सा मैंने स्पेस बनाया ताकि प्याली उसमें फिक्स्ड हो जाए और वो गिरे नहीं। अब मैं इसके अंदर रखूँगी एक छोटी सी प्याली जिसके अंदर कोयला इजीली आ जाएगा, ठीक है, आप बिल्कुल डेड स्लो आग है, ठीक है, ताकि जल ना जाए, आप आग का ध्यान रखिएगा। ये मैंने रख दी है बीच में प्याली और अब मैं इसके अंदर रखूँगी कोयला। कोयला रखने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑयल और इसको कर दूँगी मैं कवर। ये देखें कोयले दम दिया हुआ, कोयले का टेस्ट चिकन में बहुत मज़ेदार होता है। 5 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे और हमारी रेसिपी 100% रेडी हो जाएगी। हियर यू गो, दम हो चुका हमारा चिकन। अब हम इस प्याली को बाहर निकाल देंगे। मैंने इस प्याली को हाथ से बाहर निकाला क्योंकि चमटे से पकड़ी नहीं जा रही थी, पर प्याली बहुत गर्म थी, लिटरली मेरा हाथ जलते जलते बच गया, तो आप लोगों ने एहतियात करनी है, ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। अब हम इसको सर्व करते हैं। हेयर यू को, हम इसको केचप के साथ खा सकते हैं। लास्ट के जो सेसमन सीड्स है वो हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है आप धनिया ऊपर काट के बारीक बारीक डाल लें, आप ना भी डालें तो इट्स वेरी यमी, ठीक है, और बनाएं, खाएं, सबको खिलाएं और इन्जॉय करें। और बहुत मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने। आप इसको बॉयल्ड राइस के साथ खा सकते हैं, आप इसको केचप के साथ खा सकते हैं, आप इसको पराठे के साथ खा सकते हैं, आप इसको पराठे में लगा के प्याज और खीरा और इस तरह की चीज़ें डाल के, केचप और मायनीज लगा के रोल करके आप इसको एज अ पराठा भी खा सकते हैं। इस रेसिपी का नाम है कोयला चिकन चिल्ली और आप इसको कोयला बोनलेस चिल्ली भी कह सकते हैं या बोनलेस चिकन भी कह सकते हैं अगर आप चिल्ली नहीं कहना चाहते। बेसिकली इट्स अ कोयला चिकन चिल्ली रेसिपी, इट्स माय ओन क्रिएशन। खाएं, बनाएं और मुझे कमेंट लाजमी करें कि कैसी रही रेसिपी। थम्स अप फॉर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।